लंबे समय तक नहीं चल पाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। संजय राउत का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल। दरअसल आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस के शरद पवार को लेकर दिए बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने फडणवीस पर निशाना साधा है और कहा है कि 2019 में उनका प्रयोग पूरी तरह से फेल साबित हुआ, जब उन्होंने एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बनाने की कोशिश की थी। राउत ने कहा कि लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को गंभीरता से नहीं लिया और उनके गठबंधन की ये सरकार महज 3 दिन तक चल पाई। इस दौरान संजय राउत ने भी दावा किया कि शिंदे बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र में हुए शपथ कांड का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के साथ राजभवन में सुबह करीब 6 बजे शपथ ली थी। इंटरव्यू में फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी चीफ शरद पवार इस गठबंधन के लिए तैयार हुए थे, जिसके बाद सरकार बनाने की तैयारी हुई, लेकिन वक्त आने पर पवार पीछे हट गए और उन्होंने डबल गेम खेला। फडणवीस के आरोपों का जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर शरद पवार जी ने कुछ किया भी है तो ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। बात यह है कि आपने प्रयोग किया और वो फेल साबित रहा। सच बात यह है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन का पवार साहब ने पूरा समर्थन किया। इसी दौरान संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे वाली मौजूदा सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सरकार गिर जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद नए गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हुई। जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी, तभी अचानक एक तस्वीर सामने आई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद और एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते दिख रहे थे। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि शरद पवार के एक इशारे पर पूरा खेल पलट गया और ये गठबंधन करीब 80 घंटे बाद ही धड़ाम हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस ने इसी का जिक्र अपने इंटरव्यू में किया है।